खबर चुनार से है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के सियासी चौपर पर हल दल अपने मोहर बैठाने लगा है। 2022-24 की सियासत पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेश मिश्रा ने इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल के चेयरमैन वरिष्ठ पत्रकार राजीव कुमार ओझा ने बात की। डॉक्टर मिश्रा में उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव परिणामों को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानने से इनकार किया। चुनाव में धनबल सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की चर्चा करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराए जाने की मांग की है। डॉक्टर मिश्रा मीडिया की उपाधि भूमिका से खासे नाराज दिखे। उन्होंने मीडिया की भूमिका पर अपनी नाराजगी जताते हुए यहाँ तक कह डाला कि लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा खतरा मीडिया से है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर हवा हवाई दावे करने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति करती है, जनता के मुद्दों से इसका कोई सरोकार नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल पदार्थों के बढ़ते दामों के लिए उन्होंने मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। इस समय पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी रोष व्याप्त किए और कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 से पार हो गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के सियासी चौपड़ पर हर दल अपने मोहर बिठाने में लगे हैं। चुनार से सुनील कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। जिला पंचायत चेयरमैन का चुनाव है, ये शुद्ध रूप से सरकार, प्रशासन और धन, इन तीनों के दबाव का चुनाव रह गया है। इसमें जो मतदाता है वो काउंटेड है, पब्लिक का चुनाव है नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। सरकार भी दबाव बनाती है, प्रशासन भी दबाव बनाती है और धन का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है। आपको याद होगा कि पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी ने भी जिला पंचायत के अध्यक्ष चुना शायद 60 या 62 सीटें जीती थी और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो 44 पर आया। इसी तरह बसपा की भी जब सरकार थी वो भी 25-30 में वोट करा लेते थे और 20-25 दबाव बना के जीत के 60 पहुंच जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे एक कदम आगे बढ़ गई है, ये 64-65 पे जीत गए हैं। हमें तो ये लगता है कि विधानसभा के चुनाव में जिस रेशियो में सपा और बसपा से सीटें इनकी ज़्यादा आई है उसी रेशियो में जो विधानसभा में उन दलों का रिजल्ट रहा है चुनाव के तत्काल में उसी रेशियो में इनका भी रिजल्ट आएगा और ये 44 से भी कम नहीं। इसको सरकार अपनी पीठ खूब थपथपा ले कि हम जीत गए जिला पंचायत चेयरमैन का चुनाव, विरोधियों को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है, मतदाताओं को उठा दिया जा रहा है, किसी का मकान दिलवा दिया जा रहा है, किसी का नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है, किसी का नामांकन पत्र उठा दिया जा रहा है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है चुनाव की। हमारी तो मांग है कि जिला पंचायत चेयरमैन का चुनाव और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। चुनाव आयोग से मेरी मांग है, स्पष्ट मत है कि सेमीफाइनल नहीं माना, सेमीफाइनल का कोई मतलब नहीं। जो सेमीफाइनल कर रहा है वो बेकूफ है, हम तो उनको बेवकूफ़ मानते हैं जो सेमीफाइनल से पहले हैं। हमारा तो ये मानना है कि ये एक तरह से ये जो इलेक्शन है ये लोकतंत्र की किसी परिभाषा में फिट नहीं बैठ रहा है और इस चुनाव को जनता से कर दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग से मेरी मांग है, इससे इनडायरेक्ट चुनाव करेंगे तो भ्रष्टाचार, पैसा, सरकार, प्रशासन सबका जो मिला जुला स्वरूप देता है वही दिखाई देता है। इस चुनाव को तो डायरेक्ट जनता से करना मार्केट में 57-58 डॉलर प्रति बैरल था और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सब्सिडी ला के पेट्रोल और डीजल पे, तो सरकार ने उसका पैसा दिया और बढ़े हुए दामों का और डीजल और पेट्रोल का दाम कंट्रोल किया। आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम 44-45 रुपये है और भारत की सरकार उस पर कमाई कर रही है, कल कितना 1,00,000 रुपया कमा चुके ये साल भर में और 100 रुपये और 100 रुपये के पास डीजल पेट्रोल मिल गया हो गया, जबकि उस समय जो महंगाई थी उसमें आज का यदि रेट होता वो रेट 150 और 200 होता। और सरकार ने सब्सिडी दे के उसे कंट्रोल किया और आज की सरकार क्या कर रही है देख लीजिए। बेरोजगारी
44 सालों में सबसे ज़्यादा आज महंगाई पिछले हमें लगता है कि 60 सालों में सबसे ज़्यादा आज है। बांग्लादेश नेपाल और पाकिस्तान से भी नीचे हमारी जीडीपी हो गई है। आपने पूछा कि क्या कमी रह गई है, कांग्रेस अपने सही कामों का प्रचार नहीं कर रही, अपने किए गए कामों का प्रचार नहीं कर रही और जो जनता तक मतलब प्रचार नहीं कर पाई, जनता तक नहीं पहुंच पाया। और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम ये जीवन में नहीं कर सकते थे उसका भी इन्होंने प्रचार किया, झूठे प्रचार किए और झूठ बोलने में ये इतने एक्सपर्ट हैं, कांग्रेस का कोई नेता उस तरह झूठ बोल ही नहीं सकता जैसा झूठ बोलने और सुनिए। अब काउंटर करने में कांग्रेस अब सुनिए असफल नहीं, ऐसा कांग्रेस असफल नहीं है। इन्होंने जो पहला काम किया 2013 में अहमदाबाद में, इन लोगों ने एक इंटरनेशनल समिट कराया उद्योगपतियों का, और उसके पहले मुकेश अंबानी, अडानी और जितने हिंदुस्तान के उद्योगपति थे ये 4 साल तक राहुल गांधी जी से टाइम मांगते रहे मिलने के लिए। राहुल गांधी ने समझ लिया कि हमारा समय उद्योगपतियों के लिए नहीं, हमारा समय किसानों के लिए है, गरीबों के लिए। वो सारे उद्योगपति नाराज थे और जब इंटरनेशनल समिट हुआ अहमदाबाद में तो सबने एक स्वर से कहा कि हमारे अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी होंगे, और उसी समय उन लोगों ने मीडिया को कंट्रोल करने शुरू किया। मीडिया पर इन लोगों ने खरबों रुपया खर्च किया, नए नए जो चैनल लॉन्च हुए वो अडानी अंबानी ने खरीद लिए। आज की तारीख में मुकेश अंबानी के शायद हमें लगता है कि 60 या 62 चैनल हैं मुकेश अंबानी के, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों मीडिया